Okay, hello guys, today I will throw you some knowledge about the FASAI CB2 mainly concerned with this exam. So the main form of lab, इसमें form of lab क्या क्या है, primary food laboratories है, national food laboratories है, referral food laboratories है, national reference food laboratories है, ancillary reference food laboratories है. Okay, currently 2020 primary food laboratories है, national food laboratory को central food laboratory भी कहता है. national food laboratory कहाँ कहाँ है, कोलकाता, गाज़ियाबाद, पुणे, मैसूर में. ओके, सो रेफरल फूड लेबोरेटरीज टोटल 19 है, नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी और एंसिलरी रेफरेंस लेबोरेटरी. नेशनल जो है रेफरेंस जो है 12 है, और जो एंसिलरी जो है 2 है, टोटल 14 है. ओके, सो प्राइमरी फूड लेबोरेटरी है मेनली कंसर्न किसके रिलेटेड फोकस करता है, ग्राउंड लेवल पे जो फूड टेस्टिंग होता है उस पर कंसर्न करता है. ये जो है नोटिफाइड होता है FSSAI के द्वारा. ओके, सो नेशनल फूड लेबोरेटरीज जो है ये एक सेंट्रल लेबोरेटरीज है जो मेनली कंसर्न होता है रेफरल फूड लेबोरेटरी. जो 19 जो है इसमें नेशनल फूड लेबोरेटरीज भी इंक्लूड है जो रेफरल फूड लेबोरेटरीज में. अब जो रेफरल फूड लेबोरेटरीज में क्या होता है ना, अपील सैंपल को सेंड किया जाता है. अपील सैंपल क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टेट फूड लेबोरेटरीज है, फर्स्ट FSO ने क्या किया, FSO ने सैंपल कलेक्ट किया तो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर को सेंड किया. मान ले उसने फेल हो गया सैंपल, तो क्या करता है FBO जो है डिजिग्नेटेड ऑफिसर को क्या बोलता है, इस सैंपल को दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजो. तो ये सैंपल को दोबारा जाता है रेफरल फूड लेबोरेटरीज में. रेफरल फूड लेबोरेटरीज में वो सैंपल आता है जो अपील किया, सैंपल जो दोबारा टेस्ट करने के लिए आता है वो रेफरल फूड लेबोरेटरी कहता है उसको. और जो है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज, ये रेफरेंस मीन्स स्टैंडर्ड, रेफरेंस नॉर्मली मीन्स स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए आता है. जो एक न्यू फूड आ गया, मान ले एक नोवल फूड आ गया, तो उसको कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड वैलिडेशन के लिए मेथड हो गया, कुछ भी हो गया, स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी है. और एंसिलरी रेफरेंस लेबोरेटरी वो होता है जो स्पेसिफिक एरिया में काम करता है, जो स्पेशल फोकस करता है. और दूसरा है कि ये एंसिलरी जो है रेफरेंस लेबोरेटरी को भी हेल्प करता है. ओके, सो इसमें प्राइमरी डिफरेंस है, ये ग्राउंड लेवल पे फूड टेस्टिंग करता है, और ये सेंट्रल लेवल पे करता है. और जो इंपोर्ट करता है, फूड की इंपोर्ट करता है, उस पर जो है फॉर एग्जांपल कोलकाता इस रीजन में फूड सैंपल इंपोर्ट किया, तो वहाँ से कोलकाता के जो लेबोरेटरीज जो है फूड लेबोरेटरीज है, वहाँ से जो भी फूड इंपोर्ट किया उसकी जो है लैब एनालिसिस होगा. ओके, प्राइमरी जो मेन डिफरेंस जो है, रेफरल जो है मीन्स जो अपील सैंपल जो है रेफरल में सेंड करता है, और जो रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए होता है. एंसिलरी जो है स्पेशल प्राइमरी फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में. ओके, सो दिस टॉपिक इज पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एज द पार्ट ऑफ द CB2 एग्जाम्स. थैंक यू.